बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी वो दमदार एक्टिंग करती ही हैं, जिसका हर कोई कायल है। लेकिन आज हम आपको ऐसी बिंदास और जिंदा दिल नीना के बचपन की वो कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सोच कर खुद नीना कांप उठती है। दरअसल बचपन में नीना यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उनका शोषण किसी और ने नहीं बल्कि उनके डॉक्टर और टेलर ने ही किया था। लेकिन नीना ने ये बात कभी अपनी माँ को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी माँ इसके लिए उन्हें ही दोषी न ठहराए। नीना ने इस पूरे मामले का खुलासा खुद ही किया था। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नीना बताती है कि ये बात तब की है जब वह स्कूल में पढ़ा करती थी। दरअसल वो एक बार अपने भाई के साथ आंखों के डॉक्टर के पास गई थी। भाई वेटिंग रूम में उनका वेट कर रहा था, जबकि वह अंदर थी। नीना बताती है, डॉक्टर ने मेरी आंख की जांच शुरू की और अचानक वह अन्य जगहों को भी चेक करने लगा, जिसका मेरी आंख से कोई संबंध नहीं था। जब मेरे साथ ये सब हुआ तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। घर के कोने में चुपचाप बैठकर रोने लगी थी। नीना आगे बताती है, इस हादसे से मैं बेहद डर गई थी। यहाँ तक कि अपनी माँ को भी इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुझे लगा वो कहेंगी कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ही शायद उसे उकसाया होगा या कुछ किया होगा। इसके बाद कई बार उसी डॉक्टर के पास जाना हुआ और वह फिर वही सब मेरे साथ करता था। इतना ही नहीं, टेलर ने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी। वह भी मौका देखकर उन्हें इधर उधर हाथ लगाता था। उन्होंने कहा, मुझे लगा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं उसके पास नहीं जाना चाहती तो वह मुझसे पूछेंगी कि क्यों, और मुझे उन्हें बताना होगा। वो आगे बताती हैं, आजकल 3 साल के बच्चे को भी गुड टच और बैड टच सिखाया जा रहा है। वहीं उन्हें टीनेजर में भी ये बातें नहीं बताई गई थी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।